आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह के नीतीश कुमार को शिखंडी कहे जाने पर बिहार की राजनीति गर्म हो गई है और बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने कहा जो नीतीश कुमार के खिलाफ बोलेगा वो बीजेपी का एजेंट माना जाएगा, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने भी सुधाकर सिंह पर तंज कसते हुए सुधाकर सिंह के बयान की घोर निंदा की है। कांग्रेस विधायक ने कहा है कि यह बिल्कुल गलत है, यह गंदी राजनीति है, यह बयान सुधाकर सिंह के मुँह से अच्छा नहीं लग रहा है। वो विधायक है और नीतीश कुमार 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश जी बिहार के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, अपने मुख्यमंत्री जो बिहार के कर्ता धरता है उन्हें कोई शिखंडी कहकर संबोधित करे या कहीं से सही नहीं है। नीतीश जी बिहार के अच्छे काम करने वाले नेता में से हैं। सुशील मोदी और भाजपा ऐसे ही बकवास करती रहती है। नहीं नहीं गलत, अगर सुधाकर जी कहे माननीय विधायक है और इस तरह का बयान की शिखंडी है, 17-18 साल जनता ने मुख्यमंत्री बना के रखा है, ये तो बिल्कुल गलत है, उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। और मैं कहूँगा आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सुशील मोदी कह रहे हैं कि वो लालू के आदमी हैं तो उनको बुलवाया जा रहा है लालू यादव से। अब देखिए सुशील मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे ही खाली बकवास करती है कोई, लेकिन ये शिखंडी कहना ये बिल्कुल गलत है, इसकी हम खूब निंदा करते हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिहार का विकास का काम कर रहे हैं और सुशील मोदी जी के बयान पर कोई कॉमेंट नहीं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी से बोलना जानती है, काम करना जानती नहीं है। बयान वापस लेना चाहिए, बिल्कुल वापस लेना चाहिए, शिखंडी कहना बिल्कुल गलत है। माननीय मुख्यमंत्री है, पूरे बिहार का सम्मान है, बिल्कुल उनको वापस लेना चाहिए। भागलपुर जिले को पुलिसिया नजरिए से सभी कठिन जिलों में से एक माना जाता है। सरकार और पुलिस मुख्यालय की कोशिश रहती है कि वे सबसे काबिल अफसरों को यहां के अधिकारी और पदाधिकारी बनाकर भेजे। इसी भरोसे के साथ सरकार के गृह विभाग ने भागलपुर एसएसपी की जिम्मेदारी 2012 बैच के आईपीएस और गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक रहे आनंद कुमार को सौंपी है। वहीं सिटी डीएसपी के रूप में अजय कुमार चौधरी को भेजा गया है। भागलपुर सिटी डीएसपी के रूप में अजय कुमार चौधरी ने कल पदभार ग्रहण कर लिया। वहीं भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक के रूप में आनंद कुमार ने आज पदभार ग्रहण किया। एसएसपी आनंद कुमार के पदभार ग्रहण से पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उसके बाद ने पुष्प कुछ देकर स्वागत किया गया। उसके बाद उन्होंने कागजी प्रक्रिया के तहत अपने कार्यालय का कार्य प्रारंभ कर दिया। भागलपुर के नए एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि अपराध पर नियंत्रण लाने में मेरी पूरी जिम्मेदारी है और उसे मैं पूरा करूंगा, जिसमें यहां की जनता, मीडिया और पुलिस कर्मियों का काफी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की घटना का आभास हो उसे तुरंत मेरे व्हाट्सएप नंबर या ऑफिस के नंबर पर बताएं, जिससे अपराध पर लगाम लगाया जा सके। जो भी ऐसी सूचना देंगे उनका नाम कहीं भी प्रकाशित नहीं किया जाएगा, ऐसा एसएसपी आनंद कुमार ने आश्वासन दिया है। वहीं दूसरी ओर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि यातायात ट्रैफिक व्यवस्था में हमारे 91 पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, जिसमें ट्रैफिक सिग्नल लाइट का ट्रायल चल रहा है। उम्मीद है जल्द यह गुणवत्तापूर्ण और उत्पादकतापूर्ण शहर में सफल होगा, इसके लिए हमारी टीम लगी हुई है। नियंत्रण और अगर कहीं अपराध होता है तो उसका सही तरीके से डिटेक्शन और जो भी उसको कारित करने वाले हैं उनका जो उनको वैधानिक निष्कर्ष पर पहुंचाना वह हमारी जिम्मेदारी होगी। और इसके साथ ही साथ विधि व्यवस्था का संधारण शहर में और पूरे ज़िले में अमन चैन कायम रखना हमारी जिम्मेदारी होगी। और आप सभी लोगों का सहयोग की मैं अपेक्षा रखता हूं और पूरे ज़िले वासियों से भी सहयोग की अपेक्षा करता हूं। और किसी को भी अगर कहीं से भी कोई सूचना मिलती है तो उनसे जरूर अनुरोध करता हूं कि जो हमारा सरकारी नंबर है, CUG नंबर है, उस पर कॉल करें या हमको व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना को दे सकते हैं। आपका नाम कहीं भी उजागर नहीं किया जाएगा और उस पर उस सूचना के आधार पर जो भी उचित कार्रवाई है हम लोग करेंगे। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में सिंडिकेट की बैठक आयोजित की गई। कुलपति डॉक्टर जवाहरलाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान प्रति कुलपति और सिंडिकेट सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान 23-24 के बजट को लेकर चर्चा की गई। वहीं एकेडमिक काउंसिल सहित एफिलिएशन सहित कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा की गई। कुलपति आवास पर जहां बैठक चल रही थी उसके बाहर छात्र राजद और आयशा छात्र संगठन के कार्यकर्ता और छात्र अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मानव श्रृंखला बनाकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ कर नारेबाजी करते दिखे। वहीं बैठक को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।
भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के उल्टा पुल के नीचे देर रात सब्जी मंडी में बिजली के शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर खाक हो गई। घटना के बाबत प्रत्यक्षदर्शी संतोष कुमार पासवान ने बताया कि एक गोदाम में लगभग 1:30 बजे रात्रि में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और 20 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। लगभग 40 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और घंटों मशक्कत कर आग पर काबू पाया जा सका। कैसे आग लगी है? ये आग लगा, इसका तार से फोल्ड हुआ सर, इसका गोदाम से। कितना दुकान जल गया? 20 आदमी का दुकान जला है सर। कितना का नुकसान होगा? नुकसान तो वही 20-25 आदमी का होगा। किस तरह से आग लगी है? आग लगा, इसका तार से आग लगा है सर। ये जब उसके अंदर से ही आग उठा तो जाने की तार से ही आग लगा, तार का कनेक्शन है इसके रूम में सर, बिजली वाला तार। उसके बाद आपने क्या किया? हम पानी ला करके हम दिए IW, वहाँ जो खदैया है पानी टंकी, वहाँ से ला के दिए हैं रेलवे वार्ड से। हाँ, 20-25 बाल्टी पानी दिए, तब उधर से दुकान सब बचा, नहीं तो सबका दुकान जल जाता सर। भागलपुर के हड़िया पट्टी में व्यवसायियों के द्वारा भागलपुर नगर निगम की सभी नवनिर्वाचित पार्षदों और उप महापौर का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान व्यवसायियों ने सभी को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। सभी जनप्रतिनिधियों ने भागलपुर के विकास में अपनी 100% भागीदारी देने की बात कही। वहीं भागलपुर के नवनिर्वाचित उप मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन ने कहा कि हम लोगों का इस बार का मूल मंत्र होगा सिर्फ और सिर्फ भागलपुर का विकास। एक तरफ भागलपुर स्मार्ट सिटी के तहत तैयार हो रहा है, दूसरी तरफ नगर निगम के पदाधिकारियों के साथ मिलकर एवं सभी पार्षदों के साथ मिलकर हम लोग एक स्वस्थ और स्वच्छ भागलपुर तैयार करेंगे। भागलपुर को स्वच्छ जागरूक बनाने में थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन इसे हम लोग जल्द तैयार कर लेंगे। जादू की छड़ी तो नहीं है कि तुरंत हो जाएगा, लेकिन हम लोग एकजुट होकर बैठक कर इस पे विशेष गहन मंथन का कार्य प्रारंभ करेंगे। भागलपुर शहर तो मेरा अपना पुराना है और हम सारे चीज से वाकिफ है। नगर निगम का जो कार्य है और जहाँ जो समस्याएं हैं तो उसको दूर करने का अपने पार्षदों की मदद से, मेयर साहबा की मदद से, नगर आयुक्त की मदद से मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। ये तो विकास का मुद्दा है और हमको जादू की छड़ी लेके आए नहीं है कि आज आए और कल परिवर्तन। अब परिवर्तन नज़र भी आ रहा होगा ट्रैफिक वगैरह इस सब में, ये तो हम लोग के संभालने से पहले ये हो रहा, तो आगे भी ऊर्जावान नौजवान लोग हैं, इन लोग को काम करने की क्षमता है और इस काम को ज़मीन पर उतारने के लिए कुछ प्रशासनिक आदेश होता जिसको इन लोग को पूरा करना, और जब पूरा होगा तब वो धरातल पर नज़र आएगा यानी ज़मीन पर नज़र आएगा। तो समस्याएं अनेक हैं, लेकिन अगर हम लोग की एकजुटता काम रही तो हम समझते हैं कि 6 महीने के अंदर कुछ न कुछ भागलपुर में आपको नया दिखने को जरूर। वहीं लगातार चौथी बार अपने वार्ड से पार्षद बनी पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा कि इस बार की नगर सरकार में नए युवाओं की फौज है, साथ ही साथ अनुभवी पार्षद भी हैं जो 3-4 टर्म रहे हुए हैं, उन लोगों की भागीदारी रहेगी और महिलाओं की भी संख्या इस बार अच्छी है। सभी को मिलाकर भागलपुर को विकास पथ पर लेकर चलेंगे। व्यापारी वर्ग के द्वारा इस सम्मान समारोह में शहर के कई गणमान्य व्यवसायी और समाज सेवी भी मौजूद थे। आज का यह जो आयोजन है, आज व्यापारी वर्ग के सभी बंधुओं के द्वारा नवनिर्वाचित उप महापौर और सभी पार्षदों का जो अभिनंदन रखा गया है, मैं उसके लिए सभी व्यापारी वर्गों का मैं बहुत ही अभिनंदन और उनका धन्यवाद देती हूं। और साथ ही साथ हम सब लोग मिलकर, आप जो यहां पर लोगों को आप देख रहे हैं बैठे हुए प्रतिनिधि के तौर पर, इस बार की टीम, इस बार की जो नगर सरकार है, इसका सौभाग्य है कि यहाँ पर 4 बार 3 बार 2 बार जीतने वाले भी अनुभवी प्रतिनिधि हैं, तो यहाँ पर युवाओं की फौज भी है, यहाँ पर महिलाओं की भी बहुत अच्छी संख्या है। तो महिला, युवा एवं अनुभवी सभी लोग मिलकर और उसके साथ साथ उसको लीड करने वाले प्रोफेसर के रूप में उप महापौर हैं और डॉक्टर के रूप में हमारी महापौर महोदया हैं। तो कुल मिलाकर ये जो टीम का जो ये सम्मिश्रण है, ये बहुत ही बेहतरीन है, शहर के लिए बहुत ही बेहतरीन कर पाएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और मेरा तो यह चौथा कार्यकाल है, तो मैं अपने अनुभव का पूरा लाभ इस सदन को देना चाहूँगी, शहर को देना चाहूँगी और शहर में सम्यक रूप से, मतलब कोई वार्ड की बात ना हो, सम्यक रूप से पूरे शहर की बात होगी और सब लोग मिलकर शहर का विकास करेंगे, यह हमारा लक्ष्य है।
भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। अपराधी मासिक गोष्ठी के बाद SDPO दिलीप कुमार ने कहा कि इन दिनों साइबर अपराधी लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। ऐसी स्थिति में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। बात सामने आई है कि व्हाट्सएप या फेसबुक के द्वारा साइबर ठग किसी लड़की का उपयोग कर लोगों को ट्रैप करते हैं और जब टारगेट जाल में फंस जाता है तो उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में लोगों को खास सतर्क रहने की जरूरत है। सोशल मीडिया का वर्तमान में काफी विस्तार हुआ है। ऐसी स्थिति में लोग यह तय कर ले कि वे किसी भी अनजान नंबर से वीडियो कॉल रिसीव ना करें। अगर इस तरह के जाल में कोई फंस गया हो तो वे पुलिस के पास आए और निश्चित रूप से साइबर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। SDPO ने कहा कि क्राइम मीट में अपराध नियंत्रण को लेकर खास निर्देश दिया गया है। हाल में हुई हत्याकांड की घटनाओं पर संबंधित थानाध्यक्ष को तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। जबकि ठंड के मौसम में चोरी की घटना न हो इसको लेकर भी पुलिस कर्मियों को सघन गश्त करने, पैदल गश्त में बढ़ोतरी करने और तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। SDPO ने कहा कि विभिन्न थानाध्यक्षों से भी अपराध नियंत्रण की दिशा में सलाह ली गई है जिस पर कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आए दिन होने वाले पुलिस अधीक्षक की क्राइम मीटिंग के संदर्भ में भी तैयारियों की समीक्षा की गई है। इस अवसर पर बिहपुर एवं नवगछिया अंचल के निरीक्षकों के साथ सभी थानाध्यक्षों की मौजूदगी देखी गई। अभी इधर आया होगा तो हमारे पास तो रिपोर्टिंग नहीं हुई है, तो ये भी केस साइबर फ्रॉड का है जिसमें वो कुछ नेगेट फोटो वगैरह दिखा करके और डरवाया जाता है आगे पार्टी को कि आपने जो है हमारे साथ गलत किया है और उनसे पैसा ठगने का कोशिश किया जाता है। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करेंगे कि जिनके साथ भी ऐसी घटनाएं घटी हैं वो पुलिस के पास रिपोर्ट करें और इसमें जो दोषी हैं उनको पकड़ने का काम करेंगे ताकि और लोग ठगे नहीं जाएं। और पब्लिक से ये अनुरोध है कि जो अननोन नंबर्स हैं जिनसे वीडियो कॉल वगैरह आ रहा है उसको वो नहीं उठाएं। और सोशल मीडिया का अभी काफ़ी तेजी से विस्तार हुआ है, सभी लोग यूज करने लगे हैं, तो सावधानी से यूज करना चाहिए। हम लोग भी सतर्क होकर यूज करते हैं और इसको थोड़ा सावधान रहना है और किसी भी अननोन नंबर्स के वीडियो कॉल को नहीं उठाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और ऐसे कोई रिपोर्टिंग होगी तो जरूर उस पर हम कार्रवाई करेंगे। डराया जाता है उस पर सर कि अगर निश्चित रूप से वायरल हो जाएगा पुलिस केस हो गया आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाँ नहीं, उसको बरगलाने का कोशिश करते हैं। अनुरोध मेरा ये रहेगा कि जिनके साथ ये घटना घटी है जो कोई भी ब्लैकमेल करने का कोशिश कर रहा है वो पुलिस के पास आए, हम लोग उनको पूरी पूरी मदद करेंगे, उनको डरने की जरूरत नहीं है। अगर अगला आदमी इनको ठगने का कोशिश करेगा तो उसको जेल भेजेंगे। माता सावित्रीबाई फुले की जयंती को भागलपुर के खरीक प्रखंड के आदर्श विद्यालय नवादा में राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस के तौर पर मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न विधाओं में आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। अंत में मुख्य अतिथि डॉक्टर विलक्षण रविदास ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया। पुरस्कार में बहुजन नायक नायिकाओं की जीवन से जुड़ी पुस्तकें भी दी गई। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सामाजिक न्याय आंदोलन के गौतम कुमार प्रीतम ने कहा कि सावित्रीबाई फुले महात्मा ज्योतिबा फुले ने मिलकर भारत का पहला महिला विद्यालय 1 जनवरी 1947 को पुणे के भीड़बाड़ा में खोलने का काम किया। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने समाज के हर हिस्से के लिए शिक्षा का दरवाजा खोलने का पहल किया। लड़ाई लड़ी सावित्रीबाई फुले पहली महिला शिक्षिका थी, इसलिए सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस के रूप में हम मनाने की शुरुआत कर रहे हैं। मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर विलक्षण रविदास ने कहा कि हिंदू धर्म ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था और परंपरा में शूद्र अति शूद्र और महिलाओं को भी सभी मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया था। आधुनिक भारत में पहली बार जिस महिला ने इसे चुनौती दी उसका नाम सावित्रीबाई फुले हैं। उन्होंने अपने कर्म और विचारों से वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को एक चुनौती दी। वक्ताओं में बतौर आदर्श सर्वोदय विद्या मंदिर के निदेशक राजेश कुमार रवि, शिक्षिका सलिता कुमारी, निभा कुमारी, कवि अरुण अंजाना, बिहार फूले अंबेडकर मंच के अखिलेश रमन, नसीब रविदास, शिक्षक सुनील कुमार गुप्ता, संतोष कुमार, अमरजीत कुमार, लालमुनी कुमार, रोशन कुमार थे।